वेलकम बैक गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो यार, स्टॉक मार्केट के ऊपर बनी एक फेमस मूवी जिसका नाम है द बिग शॉर्ट। इस मूवी के अंदर एक डायलॉग है, स्टॉक मार्केट के लोगों को ना कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करना काफी अच्छा लगता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे जो वो लोग करते हैं बस वही लोग कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी कॉम्प्लेक्स दुनिया है स्टॉक मार्केट की। वैसे ही यार, स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इनको बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया जाता है, इसलिए फिर आपसे जो फीस ली जाती है, कोर्स बेचे जाते हैं आप सभी लोगों को, आपको आपको बताया जाता है कि यार बहुत हार्ड है इसे सीखना। बट यार देखो, ये जो हैमर पैटर्न है, ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है, ये शूटिंग स्टार है, इनवर्टेड हैमर है, इन सारों के मतलब एक ही है। इतना कंफ्यूज क्रिएट किया जाता है इन चारों पैटर्न्स को लेकर, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो लाइव चार्ट के ऊपर ट्रेड करते वक्त भी समझेंगे और पीपीटी के थ्रू भी समझेंगे कि यार इन सारों का मतलब एक ही होता है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं, कि इसका जो बुकिश नॉलेज आपको जो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं पीपीटी के ऊपर। और एक चीज मैंने पीपीटी के अंदर नहीं बताई है, जो ये पैटर्न्स बनते हैं, इन पैटर्न्स की बॉडी छोटी होती है और इनकी जो शैडोज होती है उससे जो दो से तीन गुना ज्यादा होती है इनके बॉडी से, बस ये नहीं बताया था। बाकी हम लोग चलते हैं पीपीटी के अंदर और समझते हैं। तो गाइज, हम लोग आ चुके पीपीटी के अंदर। इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे लाइव चार्ट के ऊपर, वहां पर हम लोग इन पैटर्न्स को यूज कर कर ट्रेड करेंगे। बट उससे पहले यार, आपके लिए ये सिंप्लीफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर इन सारे वीडियोज के थ्रू इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है इन सारे पैटर्न्स को लेकर। जब ये पैटर्न दिखेगा तो यहाँ पर ट्रेंड जाएगा, जब ये पैटर्न दिखेगा तो ट्रेंड यहाँ पर जाएगा। इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका नाम क्या, उसका नाम क्या, एक जैसे दिखते, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यार इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा इन सारे पैटर्न्स को, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। याद रखना, इन सारे पैटर्न्स के अंदर हर एक चीज कॉमन है। अब आप में से काफी लोग कहेंगे हर एक चीज कॉमन, यस। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक और शेयर कर देना। देखो, ये सारे पैटर्न के अंदर कॉमन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सारे के सारे जो पैटर्न है, या तो हैंगिंग मैन, हैमर, हैंगिंग मैन भी सेम दिखता है और हैमर भी सेम दिखता है। इसे हैंगिंग मैन कहते हैं और इसे हैमर कहते हैं। अब बोलोगे इसमें से कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस ये कहाँ बनते हैं उसके ऊपर इनका नाम डिसाइड होता है। बात करेंगे आगे, इसे मैं इरेज करता हूँ। बात करते हैं, पहली बात तो यार इनके अंदर क्या क्या चीजें कॉमन है। इनसे जो सारे पैटर्न है चारों के चारों, या तो ये डाउन ट्रेंड के बाद बनेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, या तो ये अप ट्रेंड के बाद बनेंगे, इसका मतलब होता है यहाँ पर बनेंगे तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जहां पर भी बनेंगे ट्रेंड को रिवर्स करेंगे। बस इतना ही याद रखना है इन चारों पैटर्न्स को लेकर, आपको बस इतना ही याद रखना है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं। जहां पर भी ये बनेंगे ट्रेंड को रिवर्स करेंगे। अब गाइस देखो, ये फ्लैट मार्केट के अंदर नहीं बनते, बनेंगे भी तो इसका मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो जो अगर ये फ्लैट मार्केट के अंदर बन रहे तो इसका मतलब नहीं होता है, तो या तो ये डाउन ट्रेंड के बाद बनने चाहिए, क्लियर, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो क्लियर होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ चुका है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम लोग समझते हैं हैमर। हैमर का नाम हैमर क्यों रखा है, ये हथौड़ी की तरह दिखता है इसलिए इसे हैमर कहते हैं, हथौड़ा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। अब ये जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, तो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब जो डाउन ट्रेंड था, अब ये जो अप ट्रेंड जाने वाला है, तो सिंपली इसका बॉटम बन चुका है, तो ये बॉटम में बनता है। ओके, क्लियर है, ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, इसका इंडिकेशन बस सिंपल है। अब आप कहोगे यार ये तो चलो ये हैमर है, अब मैं आपको अगला दिखाऊंगा जब कैंडल, तो आप बोलोगे यार हैंगिंग मैन भी सेम दिखता है। देखो, हैमर और हैंगिंग मैन सेम दिखता है। बाप में से काफी लोग कहेंगे यार कलर अलग अलग है, कलर हैमर का कलर भी सेम हो सकता है, हैमर का कलर भी मतलब रेड हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसमें कलर का कोई डिफरेंस नहीं है, जब हैमर बनेगा तो रेड में भी बन सकता है और ग्रीन में भी बन सकता है, और हैंगिंग मैन भी जो है रेड में भी बन सकता है और ग्रीन में भी बन सकता है। तो इन सारे पैटर्न्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि कोई भी कलर में बन सकते हैं। ओके, तो यहां पर इसमें डिफरेंस क्या है फिर, तो सिंपल है यार, ये जो है अप ट्रेंड के बाद बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि अप डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो यार इसकी पोजिशन डिसाइड करती है कि इसका नाम क्या रखना है हमें, तो अगले स्लाइड के ऊपर चलते, बहुत क्लियरली समझाऊंगा। अब यहां पर काफी क्लियरली समझेगा आपको। देखो, दोनों भी पैटर्न सेम दिखते हैं, यह रहा आपका हैमर और यह रहा आपका हैंगिंग मैन। देखो, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम दिख रहे हैं। अब कलर कोई भी हो सकता है, मैंने बताया यहां पर ये जो ग्रीन बना है तो ये रेड में भी बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये बन कहाँ रहा है, नीचे बन रहा है तो इसे हैमर कहते हैं, और ये ऊपर बन रहा है तो इसे हैंगिंग मैन कहते हैं, समझ रहे हो। तो इनकी पोजिशन डिसाइड करते हैं इनका नाम क्या होगा, बट इससे कोई मतलब नहीं यार, एक्चुअली इसे हैमर को हैंगिंग मैन क्यों, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं। बस आपको इतना याद रखना है, ये डाउन ट्रेंड के बाद बना है
तो ये ट्रेंड को रिवर्स करेगा, और ये अप ट्रेंड के बाद बनाए तो इसका भी यही काम है, ट्रेंड को रिवर्स करना। सिंपल है, याद रखो, नाम याद रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड को रिवर्स करना इनका काम है, बस उतना ही आपको समझना है। जब भी ये बनेगा ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और उस डायरेक्शन में आपको ट्रेंड लेना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी ये बनेंगे, ये बनो या फिर हैमर बनो, कोई भी बनने दो, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट कैंडल, जैसे कि हैमर बना तो हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल अभी बुलिश स्टार्ट होने वाला है, बुलिश ट्रेंड, तो ये नेक्स्ट कैंडल जो इसकी बॉडी के बाद बनना चाहिए, तो ये आपको पता लगता है कि यार ये बुलिश, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी, ज्यादा क्वालिटी है, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेगा। वैसे हैंगिंग मैन जब बढ़ेगा तो ये बॉडी के नीचे बनना चाहिए, तो आपको पता लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रांग बुलिश साइन है, स्ट्रांग बियरिश साइन है, तो ये नीचे जाएगा। सिंपल बात है, अगली और दो कैंडल है उसके थ्रू हम लोग और थोड़ा क्लियरली समझेंगे। अब देखो ये इनवर्टेड हैमर है, अब इसे इनवर्टेड हैमर क्यों कहते हैं, सिंपल यार ये उल्टा हथौड़ा दिखता है, तो इसलिए इसे इनवर्टेड हैमर कहते हैं। तो एंड नेक्स्ट भी एक बार देख लो क्या है, नेक्स्ट शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार और हैमर, इनवर्टेड हैमर सेम दिखते हैं, शूटिंग स्टार और इनवर्टेड हैमर दिखते दोनों सेम है, कलर भी दोनों के अंदर कोई भी हो सकता है, कलर भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं इसे, शूटिंग स्टार यानी कि जो टूटते तारे की तरह दिखता है, ये इसकी बॉडी, ये इसका शैडो, तो उस तरह दिखता है, इसलिए इसे जो शूटिंग स्टार कहते हैं। अब अगेन इसका नाम का कोई लेना देना नहीं, दोनों सेम दिखते हैं, नाम से कोई मतलब नहीं है, बस यही है कि यार ये जो अब ट्रेंड के बाद बनता है तो ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, एंड ये जो हमारा ये इनवर्टेड हैमर है तो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, इनवर्टेड हैमर है तो ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, ट्रेंड को रिवर्स करने वाला है। सिंपल सी बात है, अब इसे और एक बार ठीक से चार्ट के अंदर समझेंगे हम लोग, चलते चार्ट के अंदर। सिंपल बात है, यहाँ पर अगेन इस चार्ट के अंदर देख लो, कलर कोई मैटर नहीं करता। अब देखो ये ट्रेंड को बुलिश तरीके से रिवर्स करने वाला है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बट फिर भी मैंने इसे रेड में दिखाया बिकॉज कलर कोई मैटर नहीं करता। तो आप देख लो ये इनवर्टेड हैमर और ये आपका शूटिंग स्टार। अब ये जो बियरिश रिवर्सल पैटर्न है यानी कि जो अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो सिंपल बात है आपको यही समझना है, ये अगर जब नीचे दिखता है तो इसे इनवर्टेड हैमर कहते हैं, अगर ये ऊपर दिखता है तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं, बिकॉज दिखता तो दोनों सेम है, पोजीशन के ऊपर नाम डिसाइड होते हैं। अब देखो बट आपको याद क्या रखना है, डाउन ट्रेंड के बाद बना है तो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, अप ट्रेंड के बाद बना है तो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। एंड कीप इन माइंड दैट यार ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो थोड़ा सा बॉडी इसके ऊपर होनी चाहिए, इसकी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब हम लोग चलते सीधा चार्ट के अंदर, लाइव ट्रेड करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा और आसानी से।